Okay, dear students, good morning. Today we'll discuss 11th class physics chapter 1st, physical world. तो पहले लेक्चर्स में हमने देखा फिजिकल वर्ल्ड में कि क्या डेफिनेशन होगा, क्या उसके साइंटिफिक मैटर्स होंगे, किस तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे. अब हम देखेंगे इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे नॉलेज में होनी चाहिए. तो क्या चीजें हैं जो हमारे नॉलेज में होगी? एक तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. एक्चुअली आप फिजिक्स की दुनिया में अब इन्वॉल्व हो रहे हो, तो फिजिक्स की दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर रही होगी, बहुत सारी फिजिक्स ऐसी होगी जो मैथ्स के साथ रिलेट कर रहा होगा, बहुत सारी केमिस्ट्री ऐसी होगी जो फिजिक्स होगी जो बायोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, रिलेट कर रही होगी. तो आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन लाइक कि फिजिक्स किस तरीके से अदर ब्रांच के साथ रिलेट करता है और क्या इसकी एक्साइटमेंट है, क्या नई चीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए. एक्साइटमेंट आ जाती है फिजिक्स सुनते ही कि क्या क्या चीजें हमारे काम की है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में एक एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक है. जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि फिजिक्स ह्यूज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी इन्वेंटर्स डिस्कवर्स न्यू डिस्कवर्स explanations and all things which are going to discuss in that branch of science which is meant by physics. So this is related to, for example, it is related to aeroplane. Physics ka din hai aeroplane ka banna. Aage jaake main aapko padhaunga Bernoulli's theorem. So Bernoulli's theorem ke basis pe humne aeroplane ko chalna sikhaya. एरोप्लेन किस तरीके से मूव करती है, कैसे चलता है, कैसे उतरता है, ये फिजिक्स की देन है. राइट, एक्साइटमेंट आया. ओके, फिजिक्स कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर का बनना भी फिजिक्स का ही देन है. राइट, ओके, टेलीविजन मोबाइल एक्सेट्रा और थी बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिक्स ने दिया है. राइट, तो फिजिक्स जो है ऑफिशियली अकेला फिजिक्स इन सभी चीजों को नहीं बना पा रहा है, तो इसका रिलेशन है और ब्रांच के साथ. सो वी विल डिस्कस द व्हाट रिलेशन ऑफ फिजिक्स अदर ब्रांच ऑफ साइंस लाइक केमिस्ट्री लाइक बायोलॉजी. सो इन दैट केमिस्ट्री वी नो वेरी वेल कि व्हेनेवर द स्टडी ऑफ बॉन्डिंग रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस एनर्जी इक्वेशंस, तो जितनी भी इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे वो सारी एक्सप्लेनेशन हम फिजिक्स के हेल्प से पढ़ेंगे. तो दिस इज द रिलेशन, फिजिक्स का रिलेशन. सो फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है तो केमिस्ट्री के साथ सीधी सीधे इसका रिलेशन है. किसका? फिजिक्स का. ओके, हम बायोलॉजी मानते हैं तो बायोलॉजी में बहुत सारे बायोटेक जो आप पढ़ोगे थोड़ा सीनियर क्लासेस में जाओगे तो ब्रांच होती है फिजिक्स की बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोलॉजी में हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइक 10^-6 मीटर साइज का माइक्रो मीन्स माइक्रो इन वन यहां पर किया मैंने माइक्रो माइक्रो का मीन्स होता है 1 माइक्रोमीटर विच इज बिकम्स 10^-6 मीटर. ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट को इसको हम देख नहीं पा रहे तो फिजिक्स ने बोला कि आर वी प्रोवाइड दिस डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जस्ट लाइक डीएनए आरएनए. हमारा सी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी है जनरली हम इसको नहीं देख पा रहे तो इसको देखने के लिए फिजिक्स ने आपको दिया क्या दिया आपको माइक्रोस्कोप. क्या दिया आपको माइक्रोस्कोप दिया. माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम उन चीजों को देख पा रहे हैं जिस चीजों को नॉर्मली हम इस मीजन से नहीं देख पाते. राइट, ओके, माइक्रोस्कोप ने फिजिक्स का एस्ट्रोफिजिक्स के साथ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में इसका बहुत सारा रोल है. स्पेस के अंदर की चीजों को इतने दूर के टू फार ऑब्जेक्ट वी कैन सी व्हाट ऑब्जेक्ट भी है. तो फिजिक्स ने बोला मेरे पास ऑब्जेक्ट है मैं आपको देता हूं आप उसका यूज करो. उसको बोला गया क्या बोला गया उसको सोचो सोचो टेलीस्कोप. यानी कि फिजिक्स ने क्या दिया टेलीस्कोप दिया. टेलीस्कोप के हेल्प से हम फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजन में देख पा रहे प्लैनेट्स को देख पाते हैं स्टार्स को देख पाते हैं. किसके हेल्प से टेलीस्कोप के हेल्प से. टेलीस्कोप बहुत अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप होता है. हम रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्पेस के अंदर
अंदर की चीजों को देखने के लिए। अर्थ पे किसी चीज को देखना है तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्ट टाइप टेलीस्कोप इसको न्यूटन साहब ने बनाया है। तो ये एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज है, राइट, स्टार्स, प्लैनेट्स, अलग अलग चीजों को देखने के लिए। जियोलॉजी में अगर आ जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो डिवाइसेस है, मशीन है, जिसके हेल्प से इस ब्रांच में हम रिसर्च करते हैं, राइट, ओके। तो इसी बेसिस पे हम कुछ यहाँ पर कुछ टेबल तैयार किया है और इस टेबल में आपको बताई जाएगी कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और उसके बेसिस पे क्या टेक्नोलॉजी बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स एक प्रिंसिपल है, आप 11 क्लासेस में यूनिट नंबर 8 में आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड जीरो लॉ। तो थर्मोडायनेमिक बेसिकली इज द प्रिंसिपल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल हमने क्या बनाया, स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन इज अ टेक्नोलॉजी और इसके बेसिस पे बनाई गई है, ये बनाया गया है थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस, राइट। दूसरा देखते हैं इनका, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ब्लास्ट होना, फ्यूजन का मतलब ब्लास्ट होना। वेरिएबल का हेवियर मटेरियल या न्यूक्लियस जब ब्लास्ट होता है और लाइटर न्यूक्लियाई में जब स्प्लिट हो जाता है तो सच फिनोमेना इज नॉट बाई न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक तरह का साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है और इसी प्रिंसिपल को लेकर हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तैयार किया। और न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी डिवाइस बोल सकते हो जिसके हेल्प से ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए होता है। तो बेसिकली हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल के तौर पे, फ्यूल के तौर पे इस रिएक्टर्स में हम यूरेनियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूरेनियम 92-235 जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 92 होता है, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 235 होता है। वैसे ही डिजिटल लॉजिक्स, तो डिजिटल लॉजिक जो है ये क्लास 12 में जब आप जाएंगे तो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डिजिटल लॉजिक्स पढ़ाई जाएगी जिसमें बाइनरी कोड्स का बहुत रूल है। तो बाइनरी कोड्स 0-1 ये दो वर्ड्स होते हैं जो फिजिक्स में यूज किए जाते हैं जैसे लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो डिजिटल लॉजिक्स के हेल्प से, यानी कि डिजिटल लॉजिक क्या है, एक तरह का साइंटिफिक मेथड्स है, प्रिंसिपल्स है जिसके हेल्प से हमने किसी चीज को तैयार किया, तो हमने कंप्यूटर को तैयार किया। तो दिस इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड दिस इज द कंप्यूटर्स, यानी इट मींस के टेक्नोलॉजी, राइट, ओके। लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब उसके इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए प्रिंसिपल्स तैयार किया हुआ है और इसी के हेल्प से हमने क्या बना लिया, लेजर। बर्नौली थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौली थ्योरम, एक बर्नौली नाम के साइंटिस्ट है जो आपको जब आप इलास्टिसिटी पढ़ोगे तो इलास्टिसिटी के अंदर बर्नौली थ्योरम पढ़ाई जाएगी। जब बर्नौली साहब ने अपनी थ्योरम इसको दिया तो इसी प्रिंसिपल्स को लेकर के हमने किस चीज को तैयार कर दिया, तो हमने एरोप्लेन को तैयार कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग था, मजेदार टॉपिक है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर एक्साइट लाएगी, आपके अंदर पढ़ने की चाह डेवलप करेगी। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट बाइंग एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसीलिए हम उसको एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, राइट। तो हमने इंट्रो हमारे पास, ये क्या है, इंट्रो जिसको हम सीखेंगे। तो जल्दी आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखने वाले हैं अपने इस वाले टॉपिक में कि कितने कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस पे अलग अलग फॉर्म में मिलती है, लेकिन वो तो जरूर है। जिसमें हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज के बीच लग सकता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडी के बीच में लगेगा, दो मास बॉडी के बीच में। सपोज ये बोल गया मैं हूं, हमारे बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स इतना कम है कि हम इसको फील नहीं कर पा रहे। तो ये नेचर में मैक्सिमम प्लेसेस पे हर एक बॉडी एक दूसरे पे, जिस बॉडी के पास मास एग्जिस्ट करती है वो बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स के साथ फोर्स अप्लाई करती है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अपने कोर्स में। फ्रिक्शनल फोर्स,
ये भी हमारे नेचर के अंदर हर प्लेसेस पे मिलता है, हम चल पा रहे फ्रिक्शन के हेल्प से, मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ फ्रिक्शन के हेल्प से, ये बेटा लिक्विड इस सरफेस के साथ रुका हुआ है फ्रिक्शन के हेल्प से, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है जो हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये दो बॉडी के बीच में तब लगता है जब वो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में रहते, दोस टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेस व्हिच आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर एंड मूव वन अपोज टू ईच अदर। ओके नेक्स्ट, टेंशन इन स्ट्रिंग, अगर किसी बॉडी में एक डोरी लगा करके लटका दिया जाए तो हम फील करते हैं कि उसके अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है जिसको हम टेंशन के नाम से जानते हैं, ये भी हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। बॉन्डिंग बाइंडिंग फोर्सेस होती है, यानी कि इस अर्थ पे हम लोग रुके हुए हैं एक बाइंडिंग फोर्स के साथ, अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी होगी जो किसके अगेंस्ट में लगानी होगी, इस बाइंडिंग फोर्स के अगेंस्ट में लगानी होगी। या न्यूक्लियर फोर्सेस की हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर रिजेक्ट करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगानी होती है, और वो फोर्स किसके अपोज में काम करती है, तो इस बाइंडिंग फोर्स के अपोज में काम करती है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिंक द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग फोर्स, राइट। ओके, एक बायंसी फोर्स होती है, जब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर इमर्ज होती है, पार्शियली फिल होती है या फुली कंप्लीटली इमर्ज होती है, तो उसके अंदर एक फोर्स फील होता है और वो हल्का फील करता है, वो हल्का, जब कोई बॉडी पानी के अंदर रहती है तो वो हल्का फील करती है। इसका मतलब कि जब वो लिक्विड के अंदर कोई बॉडी जाती है, सपोज ये लिक्विड है और इसके अंदर कोई बॉडी है, तो नीचे से एक फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ और वहां से इसकी ग्रेविटी काम करेगी नीचे की तरफ, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर जो एक्चुअल मास है उसमें कमी के लिए, जिसको हम बायंसी फोर्स के नाम से जानते हैं। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, हम जानते हैं कि लिक्विड लिक्विड एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिलने की कोशिश करता है, तो उसमें दो तरीके के बॉडीज होती हैं, लिक्विड्स होती हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में वो फोर्स लग रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साथ लग रहा है तो हम उसको कोहेसिव। इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस, अलग अलग दो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस काम करेगी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको एटॉमिक फोर्सेस के नाम से जानेंगे, राइट। ओके, अब हम बातें हमारे नेचर में कुछ एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील एक्सपीरियंस होती है, और उस कंडीशन में उस चार्ज पे, सपोज इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक अब किस तरीके से बनेगा, ये मेजर क्वेश्चन है, क्लास 12th में जाओगे तो आपको पढ़ी जाएगी। तो जब एक चार्ज चलता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड डेवलप करता है, तो उसके अंदर कोई चार्ज एक फोर्स फील करता है तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानेंगे। अब आते हैं कुछ फंडामेंटल फोर्सेस, जो जिसके बिना ये नेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं, जो हमारे नेचर के अंदर है और नेचर इसी फोर्सेस से चल रहा है, हमारा स्पेस हमारा यूनिवर्स इसी फोर्स के द्वारा चल रहा है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर चलते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लेकर चलते हैं, और ये लॉन्ग रेंज तक काम करता है, इसलिए हम इसको मैक्रोस्कोपिक फोर्स के नाम से जानते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियस ये हमारे पास एटम है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होता है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी हमेशा ये फोर्स खींचने के लिए लगाई जाती है। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये भी इसी के पार्ट है, तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस पे काम करती है, और ये जो होती है लार्ज डिस्टेंसेस पे काम करती है, दैट्स व्हाई दिस टू पेयर ऑफ फोर्सेस इज नोन बाय माइक्रोस्कोपिक एंड अदर बोथ आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको कुछ और बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किस फोर्स का क्या कॉज है, क्या सोर्स है उस फोर्स के डेवलप होने का, और फोर्स किस तरीके की बॉडी में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फोर्स अप्लाई करेगा, उसका रेंज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। तो पहला फंडामेंटल फोर्स, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, पहला फंडामेंटल फोर्स था
जो हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, आई रिपीट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के होने का, एग्जिस्ट करने का सबसे पहला सोर्स, इसका सोर्स क्या है? तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये किस, इसका सोर्स है मास, यानी कि अगर मास बॉडी नहीं है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेवियर मास, हेवियर मास, जिसके चलते। अच्छा, ये किस तरह के बॉडीज पे काम करेगा? तो वो जिसने जिसको डेवलप किया है, नेचर में ये रूल है, वही उसके ऊपर अप्लाइड करता है। तो एक्ट ओन किसके ऊपर काम करेगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके वजह से डेवलप हुआ है? मास के वजह से। तो ये अप्लाई भी किसके ऊपर होगा? मास के ऊपर ही होगा, राइट? ओके, अब अपनी इसकी रेंज, क्या रेंज होगा? तो बेटा इसकी रेंज जो है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी, यानी कि किस तरह का बॉडी हमने लिया है, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इन्फिनिटी रखते हैं हम लोग। उसके बाद इसका नेचर, ये किस तरह का फोर्स डेवलप करता है? तो इसका नेचर होता है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव, आई रिपीट, अट्रैक्टिव इन, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, दूसरा फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, जिसके बारे में आपको बताया मैंने अभी, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम सीखेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो तरह के फोर्स को हम जनरली जानते हैं। पहला इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा हमारे पास होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। दोनों में एक चीज कॉमन होती है, चार्ज। क्या कॉमन होता है? दोनों में चार्ज कॉमन होता है। तो इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए जो सोर्स होता है, जिसके चलते डेवलप होता है, वो होता है स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। आई रिपीट, स्टैटिक चार्ज का मतलब जो चार्ज रेस्ट में हो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। इसका ये किसके ऊपर काम करेगा? तो एक्ट ऑन स्टैटिक चार्ज, एक्ट ऑन स्टैटिक चार्ज। ओके, तीसरा इसका रेंज देखते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह के हमने चार्जेस को, कितने हेवियर चार्ज को लिया है। तो रेंज इसका हम क्या करते हैं? ये काउंट करते हैं इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद इसका नेचर अगर हम देखें, तो इसका नेचर है बेटा ये अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव भी होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस। अगर लाइट चार्जेस है तो रिपल्सन, और लाइट चार्जेस है तो अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है, राइट? इसके अलावा आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो सोर्स होगा, उस सोर्स को हम लेते हैं मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, यानी कि चलता हुआ चार्ज क्या बनाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स, राइट? ये किसके ऊपर काम करेगा? एक्ट ऑन। इसकी खास बात यह है कि ये काम करेगा स्टैटिक चार्ज पे भी, और ये काम करेगा मूविंग चार्ज पे भी। किस पे काम करेगा? मूविंग चार्ज, दोनों पे ये काम करेगा। क्लियर? तीसरा इसका रेंज क्या होगा? तो इसका भी रेंज इन्फिनिटी होता है, रेंज कैसा होता है इसका? इन्फिनिटी। ओके, तीसरा अब आता है इसका नेचर। तो इसका नेचर अगर हम देखें, तो इसका नेचर भी होता है अट्रैक्टिव और, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कैसा होता है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब हम थोड़ा कंपेयर करेंगे ये वाला फोर्स कंपेयर टू अदर फोर्स, तो वेरी वीक फोर्स में आता है। इसमें आता है बेटा ये वीकर फोर्स होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये क्या होता है? ये दोनों ही फोर्सेस क्या होते हैं? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो 10^27 टाइम्स मोर देन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी इसको नोट करें, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। So dear students, going to discuss conservation law. बहुत सारे कुछ रूल्स, कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए हैं जो फिजिक्स में कभी चेंज
नहीं की जा सके, फिलहाल तो नहीं की जा सकते हैं, और वो एक्चुअल तौर पे फॉलो नहीं करते हमारे नेचर के अंदर। तो इसमें कुछ हम लॉज को पढ़ने वाले हैं। पहला, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को हम जनरेट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी का ही फॉर्मेट है। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, उन्होंने एक थियोरी दी है मास के बारे में, E=mc², जिसमें एम के बारे में बताया उन्होंने कि ये एम दो तरीके के होते हैं। मास जो होता है, एक सिंगल मास जो होता है, वो मास दो तरीके का होता है, एक होता है रेस्ट मास और एक होता है मूविंग मास। तो रेस्ट मास को हम बोलते हैं एम नॉट और मूविंग मास को हम बोलते हैं एम। तो मास फॉर्म लाइक नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि मास को हम एनर्जी में और एनर्जी को हम मास में चेंज कर सकते हैं। दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया था आइंस्टाइन ने, A=√1 - B²/C², यानी कि अगर एक बॉडी को उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए कि अप्रॉक्स स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो वो मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, राइट। दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। सेकेंड आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी सिमिलरली चार्ज को भी हम डेवलप नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर ये दो बॉडी है और ये दोनों की बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी। तो ये न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि जित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, राइट। यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, राइट। अब सपोज कि प्रोटॉन को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो सपोज इसने दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये ए है ये बी है। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर प्लस का टू आएगा, राइट, क्योंकि दो प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो जाएंगे, और ये जो एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास कंपेयर टू प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो माइनस का टू होगा। आप देख सकते हो कि जो चार्ज यहां से गया है वही चार्ज, अगर इस पूरे सिस्टम का चार्ज, इसका चार्ज जीरो और इसका चार्ज जीरो था, तो इस दोनों सिस्टम का पूरा चार्ज पहले कितना था, जीरो था। अभी भी सिस्टम का चार्ज देखिए, 2 + -2, अभी भी सिस्टम का चार्ज कितना है, जीरो है। इट मींस के हम चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको हम डेवलप कर सकते हैं, काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक। फॉर एग्जांपल, हमने क्लास 9th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अगर इस बॉडी को, यहाँ जो बॉडी रेस्ट में है, अगर इस बॉडी को गिराया जाए और तीन अलग अलग स्टेट पे हम देखते हैं, तो हर स्टेट पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी आपको, mgh मिलती है, यानी कि टोटल पूरे स्पेस की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। एक लास्ट एनर्जी हमारे पास लॉ बचता है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम को भी हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ली जा सकती है। इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। यहां पर m जो दिखाता है मास को और u दिखाता है इनिशियल वेलोसिटी और v दिखाता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सेकेंड बॉडी फर्स्ट, बॉडी सेकेंड बॉडी फर्स्ट। थैंक यू। इसको नोट करें। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।